फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक 12 वोल्ट ऑटो कट चार्जर सर्किट बनाना सिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपकी बैटरी फुल चार्जर हो जाती है तो ऑटोमेटिक इसे ऑफ कर देगा, अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो इस सर्किट से वो ऑटोमेटिक ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सर्किट को फ्रेंड्स आप किसी भी 12 वोल्ट बैटरी में यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बाइक की बैटरी हो, कोई मशीन की बैटरी हो, आप किसी भी बैटरी में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे आपको कुछ भी समझ ना आए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक इस तरीके की 12 वोल्ट की रिले यूज करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके की दो LED यूज करनी है, एक ग्रीन कलर की एक वाइट कलर की। देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये ग्रीन कलर की LED है जिससे हमारी चार्जिंग शो करेगी, और ये यहाँ पर वाइट कलर की LED है जिससे हमारी बैटरी फुल हो जाएगी, उसके बाद में ये जल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस ले लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक प्रीसेट ले लेना है 10K का। देखिए तो चलिए इसे किस तरीके से यूज करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस तरीके से इसके पॉजिटिव साइड, उनकी दोनों लग की टैग में रिले की दोनों साइड में इन्हें कनेक्ट कर देना है, और इसकी माइनस वाली पॉइंट हमने यहाँ पर बीच में सोल्ड कर दी है इन दोनों LEDs की। तो चलिए इसे सोल्ड कर लेते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो 10K का प्रीसेट है उसको आपकी बीच वाली लेग को इसके इस वाली साइड पे इसे कनेक्ट कर देना है, और इसकी दोनों वाली लेग खाली छोड़ देनी है आपको। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से हमने मोड़ दिए इस 10K के प्रीसेट के जार पे, इन दोनों वाली लेग पे हमने जोड़ दिया है। तो चलिए इनके वायर को भी जोड़ लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक रेड कलर का वायर लेना है, और इसमें इस तरीके से आपको इन दो तारों पे इनको जोड़ देना है। चलिए आगे की सोल्डरिंग बता देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक रेड कलर का वायर इस जगह पे जोड़ देना है, इस LED वाली पॉइंट पे। देखिए ये जुड़ गया। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक पीला वाला तार लेना है और इसके इस वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। देखिए इसी जगह पे, देखिए फ्रेंड्स आपको एक ये वाला भी जोड़ देना है। देखिए ये, देखिए फ्रेंड्स ये, देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ये वाले जो तार हैं, ये वाले देख लीजिए, ये वाले जो तार हैं ये आपको चार्जर में लगाने हैं, और ये LED वाले LED के साइड वाले ये आपको बैटरी में लगाने हैं। फ्रेंड्स ये इसके माइनस प्लस हैं, ये रेड वाला प्लस वाला, ये माइनस वाला, इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इनको लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स इस सर्किट को आप चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास एक 12 वोल्ट बैटरी है, तो इसे इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपको ये वाले तार इसमें लगा देने हैं, इसका प्लस वाला इसके प्लस में, इसका माइनस वाला इसके माइनस में। देखिए ये फ्रेंड्स ये जुड़ चुके हैं। देखिए ये यहाँ पर जो हमारी LED भी है जो हमारी ऑन हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स अब इसे हम चार्जर में लगाएंगे 12 वोल्ट में। देखिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा 12 वोल्ट चार्जर। चलिए इन्हें भी जोड़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका भी आपको प्लस वाला प्लस में जोड़ देना है, और इसका माइनस वाला इसके माइनस में। देखिए जुड़ गया। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए चार्जर होने देंगे, जैसे ही हमारी चार्जिंग फुल हो जाएगी, जैसे ही ये सर्किट उसे ऑफ कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमने लगा दिया।
तो फ्रेंड्स करीबन मैंने इसे आधे घंटे तक में चार्ज होने दिया। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी सफ़ेद वाली एलईडी जो है जो जल चुकी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।